गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज का वीडियो रहने वाला है होंडा सिविक के ऊपर। तो होंडा सिविक के ऊपर मैं दो अपनी चीज़ें और ऐड करने वाला हूँ। तो पहला जो चीज़ है वो टायर में हवा भरने के लिए कंप्रेसर, और दूसरा जो चीज़ है वो डैश कैम है, वो एक सेफ्टी फीचर है। वो एक्चुअली मेरे को बहुत टाइम से डालना था, बट मैं ढूंढ रहा था कोई अच्छा डैश कैम मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अपने बजट के हिसाब से मैं फाइंड कर रहा था। तो अभी मेरे को एकदम प्रॉपर अच्छा खासा डैश कैम मिल गया, वो मैं अभी आज इंस्टॉल करने वाला हूँ। चीज़ है वो हमारे पास है मल्टीफंक्शनल एयर कंप्रेसर। तो ये एयर कंप्रेसर मैंने क्यों चूज़ किया हुआ है और यही मैं क्यों लेना चाहता था वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेटर है और आपकी गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। गाइस डैश कैम है हमारे पास, इसको भी अनबॉक्स करके मैं आपको बता दूंगा, बट सबसे पहले ये एयर कंप्रेसर मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा दूंगा कि इसके फीचर्स कितने सारे। बहुत सारे लोग सोच रहेंगे कि मेरे पास पहले से ही एयर कंप्रेसर पड़ा है जो मेरे वैक्यूम क्लीनर में ही है, तो वो वाला मैं यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो जो एयर कंप्रेसर है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और कभी भी मैं हाईवेज में जा रहा हूँ, कहाँ पे भी जा रहा हूँ, मेरे को कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है हवा भरने की। मैं डायरेक्ट अपने खुद अपने आप से हवा भर सकता हूँ, और ये मैं रखना बहुत ज़्यादा सेफ है क्योंकि ये एज अ सेफ्टी टूल भी यूज़ होने वाला है हम लोग को। इतना छोटा एयर कंप्रेसर अभी मैं हाथ में आपको रख के दिखा देता हूँ। ये मेरे हाथ के साइज़ का एयर कंप्रेसर है, और इसमें आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे फीचर्स भी है। सबसे पहला फीचर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से हम लोग एयर फिल कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये हम लोग लेड जो है, ये गन जैसा लेड जो दिया हुआ है इन लोग ने, ये हम लोग खोल देते हैं जो है टायर में लगा के इसका एयर प्रेशर चेक कर सकते हैं कि गाड़ियों का एयर प्रेशर कितना है। इसमें एयर प्रेशर दिखा देगा। उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट जो चीज़ है, जो नुकीली चीज़ है, ये दो जो पिन है इसको हम लोग ऐसा स्लैम करेंगे ना तो ये ग्लास को ब्रेक भी कर सकता है, बट अभी मैं धीरे से कर रहा हूँ, अगर जोर से करोगे तो ग्लास भी टूट जाएगा आराम से। अगर आप किधर फंस गए और कांच तोड़ने की नौबत आ गई तो डायरेक्ट आप कांच तोड़ सकते हो इसका। देख सकते हो टायर प्रेशर कितना भी दिखा रहा है, इट्स 25 PSI गाइस। प्लग इन इसमें कर देना है, थोड़ा सा हवा जाएगा, बट इसके बाद अभी आप देख सकते हो ये डायरेक्ट प्लग इन हो गया एकदम प्रॉपर। थोड़ा सा बीच में एयर लीकेज होगा क्योंकि इसको एक बॉन्ड बनाना रहता है इसके साथ। तो ये लाइट का जो फीचर है वो हम लोग पावर कॉर्ड लगाने के बाद आपको बता देंगे कि कौन सा लाइट है और कहाँ पे यूज़ होता है। आप देख सकते हो इसमें गाइस एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है जो आपको पढ़ने की तो जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि सभी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। कॉर्ड जो है गाइस बहुत ही लंबा कॉर्ड है, मतलब आराम से 2 से 3 मीटर का कॉर्ड है ये, क्योंकि इतना लंबा कॉर्ड तो लगता ही है। एक टायर तक ये कॉर्ड घूमना चाहिए, तो लेट्स सी ये चारों टायर तक पहुँच पाता है कि नहीं। मेरे को बॉल का हवा भर सकते हो, साइकिल का हवा भर सकते हो, और बलून्स में भी आप हवा भर सकते हो। टायर पूरा एम्प्टी कर देंगे और पूरा 30 PSI तक फिल करेंगे, देखते कि कितना टाइम लगने वाला है। टायर मैंने डिफ्लेट कर दिया, आप देख सकते हो ये पूरा जमीन पर टच हो चुकी है, और ज़्यादा टाइम तो ऐसा रखना नहीं चाहिए गाइस। 30 PSI तक कितना टाइम लगता है वो चेक करेंगे हम लोग, मिनट्स में ये फिल कर देता है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि एक टायर को फिल करते करते हम लोग को 10-20 मिनट लग जाए। यहाँ पे आपको लगाना है पावर कॉर्ड, अगर आप ये एक बार दबाते हो लाइट का बटन तो आप देख सकते हो ये रेड लाइट आता है, और एक बार दबाओगे तो ये सेकेंड मोड में आ जाता है जो है ब्लिंकिंग मोड, SOS मोड भी बोल सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत हो गया, आपको मैसेज सेंड करना है तो आप ऐसे ऑन करके रख सकते हो, मतलब ये रेड अलर्ट आप कुछ इमरजेंसी में हो ये सामने वाले को समझ जाएगा। मैंने यहाँ पे रख दूंगा, जैसे ही ऑन कर दूंगा मैं स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। को 0 to 30 PSI करने के लिए लग गए 5 minutes 25 seconds। ऐसा हमेशा तो नहीं होगा गाइस कि आपके चारों टायर पूरे पंचर हो जाएंगे। अब देख सकते हो ये 20 PSI के थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 30 को थोड़ा कम है, आई थिंक इट्स 22 PSI। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे और देखते कितने टाइम में ये मतलब 20 से लेके 30 तक कर देता है। सबसे पहले मैं ये स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये 20 फिर ये 30, तो इसने कंप्लीट किए 30 इतने सेकंड में, 39.71 seconds। मतलब डिस्प्ले था पहले गाइस वो मेरा टूट चुका है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्पीड में मैं चला रहा था, इसके लिए थोड़ा वो हिल रहा था और हिल हिल के वो गिर गया और उसका नीडल जो है वो बाहर आ गया, तो ख़राब हो चुका है। तो अभी मैंने क्या किया, एक डिजिटल वाला वोल्ट मीटर डिस्प्ले लगाया, तो ये मैंने एयर वेंट के थोड़ा सा ऊपर लगाया, जस्ट यहाँ पे एयर वेंट नहीं है गाइस, एयर वेंट के थोड़ा ही ऊपर लगाया, और ये मैंने आज ही इंस्टॉल किया है तो मेरे को लगता है ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो ऑफ़ करके मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ ऑन होता है। ऑन कर देंगे तो इसको ऑन करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि कितना लोड लेता है ये। तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद जस्ट आप मीटर देखिए गाइस, क्योंकि मैं कुछ बात नहीं कर पाऊँगा, इसका साउंड बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, जैसे कि आपने देखा 12.8 से लेकर 12.3 तक चले गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंजन को ऑन कर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि कितना लोड लेता है। तो अभी मैं इंजन ऑन करने के बाद आप देख सकते हो अल्टरनेटर चल रहा है, तो 14.2 का वोल्ट हमें मिल रहा है। तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, देखते कितना ड्रॉप होता है।
14.2 से लेके 13.9 तक हम लोग पहुंच गए थे, मतलब थोड़ा सा ही ड्रॉप हुआ, बट पहले ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था। और जैसे हम लोग इंजन ऑन करके इसको यूज़ करते हैं ना गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। वैक्यूम क्लीनर, अपना रेफ्रिजरेटर और बहुत सारे ऐसे चीज़ें यूज़ कर चुका हूँ जो इंजन ऑफ करके भी मैंने यूज़ किया और इंजन ऑन करके भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, बट इंजन ऑन करने के बाद आपको इसमें ज़्यादा पावर मिलता है। तो इंजन ऑन करके आप यूज़ कीजिए, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए आपको यूज़ करना है, 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत टाइम हो गया गाइस इसको लेकर, मुझे बहुत टाइम से मैंने इसको अनबॉक्स ही नहीं किया, मतलब घर पे ही था ये। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट बाद में हम देखते हैं इसमें क्या है मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये मैनुअल मिल जाता है, ये एक यूज़र मैनुअल है जिसमें आपको सभी चीज़ लिखे हुए कि कैसे आपको यूज़ करना है, क्या इसके फीचर्स हैं एंड ऑल। देख सकते हो ये हमारा है डैश कैम, के लिए एक छोटा सा प्रोटेक्टर दिया हुआ है, इसको मैं निकाल देता हूँ। देख सकते हो इसका ये USB चार्जर है, उसका ये माइक्रो SD कार्ड डालने का पोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा हमें मिनी चार्जर मिल जाता है, ये पावर अडाप्टर है, 5 volts 2.4 amperes का ये पोर्ट है। तो स्टिकर दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग को विंडशील्ड में लगाना है, उसके बाद ये जो है ये स्टिकर के बीच में इन लोग ने मार्किंग दिया हुआ है, तो ये मार्किंग में बराबर एकदम प्रॉपरली इसको फिट करना है। ये मार्किंग इसीलिए दिया हुआ है, डैश कैम जो है प्रॉपरली इंस्टॉल करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है थोड़ा डैश कैम टेढ़ा हो जाता है। तो अच्छा हुआ ये गाइस इस पे दिया हुआ है, तो हम लोग ये पुल करेंगे इसके स्टिकर को और ये डायरेक्ट इस पे लगा देंगे। जो कैन सी ये वाला जो डैश कैम है ये मैंने एकदम प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिया और एकदम स्टडी है, इसको जरा सा मैंने टाइट किया हाथों से ही, तो एकदम प्रॉपर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेमोरी कार्ड डालेंगे और देखेंगे कि इसका क्वालिटी कैसा है। इसका ये इसका एप्लीकेशन है 70MAI करके, iOS के लिए भी अवेलेबल है और एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है गाइस। का जो क्लैरिटी है वो इतना भी अच्छा आप बोल नहीं सकते हो गाइस, बस अच्छा खासा है। डैश कैम जो है एज अ सेफ्टी फीचर है गाइस, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि हर एक गाड़ियों में डैश कैमरा होना चाहिए। से अगर मुझे इससे अच्छा डैश कैमरा मिलेगा तो मैं अभी आपको बताऊंगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो जो होगा NS 200 के रिस्टोरेशन के ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि NS ऐसी पड़ी है, उस पर कुछ भी जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा हूं मैं। तो वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच यू लव टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।